जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे ठग भी अपडेट हो रहे हैं और लोगों को ठगने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। नए तरीके का एक मामला सामने आया है जहां ठग पुलिस बन लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जशपुर नगर तपकरा थाना क्षेत्र में पुलिस की सजगता से एक युवक ठगी का शिकार होने से बच गया। ठग ने खुद को टीआई बताया और बीमा क्लेम की राशि दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की। 1 अप्रैल को तपकरा थाना क्षेत्र के लावा केरा के पास उड़ीसा की ओर से आ रहे बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार रथुराम निवासी बियाबल पत्रा टोली की मौत हो गई। संदीप राम ने अपने भाई के एक्सीडेंट में मौत होने की रिपोर्ट तपकरा थाने में दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज नंबर मोबाइल नंबर पर एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को थाना प्रभारी बताकर 2-3 दिन में एक्सीडेंट की क्लेम 5 से 6 लाख रुपए दिलाने की बात कहे। ठग ने इसके लिए 20,000 रुपए की मांग की। तत्काल 10,000 रुपए ऑनलाइन देने पर ट्रक मालिक को पकड़ने के लिए स्टाफ भेजने की बात भी ठग ने कही। प्रार्थी संदीप को शक होने पर फोन पे में रकम भेजने के पूर्व मामले की सूचना संबंधित थाने के अधिकारियों को दी गई। साइबर ठगी का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। ये वरदान के रूप में साबित हो रहा है। ऑनलाइन एफआईआर जब होता है तो उसमें जो एफआईआर लगाया जाता है उसमें जो पीड़ित हैं उनके नंबर भी उसमें दर्ज किए जाते हैं, और ऐसे जो ठगी करने वाले लोग हैं उस एफआईआर से पीड़ितों के नंबर लेकर के और उसे स्वयं को पुलिस का अधिकारी कह करके और उनसे पैसों की वसूली की जा रही है। और ये भी एक बड़ी बात है कि वो अपना बारकोड भी सेंड कर रहे हैं। अभी ठगों ने साइबर ठगी का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है जिसके तहत ऑनलाइन, चूंकि आजकल एफआईआर जो भी होता है वो ऑनलाइन दिखता है और उसमें प्रार्थी का नाम, आरोपी का नाम और उसमें मोबाइल नंबर्स भी होते हैं, तो उसका फायदा उठाकर साइबर ठगों ने आजकल इस ये एक नया ट्रेंड चालू किया है जिसके तहत संबंधित व्यक्ति को फोन करते हैं और उसमें एक नकली पुलिस वाला बन जाता है और ये बोलता है कि आप अगर कुछ पैसे जमा करते हो तो हम आपको इस केस में राहत देंगे। और वो राहत के तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग केस में डिपेंड करता है कि वो उस केस के अंदर